छिंदवाड़ा जिला के चौरई विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रामगढ़ के ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी में बताया है कि चौरई से बैंडोल तक MPRDC रोड का निर्माण उदित इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड रिवा के द्वारा किया जा रहा है। अभी रामगढ़ में MPRDC रोड बनाई गई है, लेकिन रोड की आजू बाजू पक्की नाली का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे बरसात का पानी घरों में घुस रहा है। अभी तो बरसात शुरू हुई है और पहली बारिश में ही घरों में पानी घुस गया है, जिससे हम सभी ग्रामीण जन बहुत ही परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों से पूछा गया कि यदि पक्की नाली नहीं बनाई गई तो क्या होगा, तब उन्होंने बताया कि यदि नाली नहीं बनाई गई तो घरों में पानी घुस जाएगा, जिससे घर के अंदर रखा हुआ सारा सामान भीग जाएगा एवं घर के अंदर पानी भरा रहेगा तो हमारा घर गिर भी सकता है। यदि भरी बरसात में हमारा घर गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे। ग्रामीण जन बरसात के पानी को लेकर बहुत चिंता में है। यदि समय रहते नाली का निर्माण नहीं किया गया तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन की संभावना लग रही है। अरे बेटा बड़ी भारी समस्या, जब नाली बनाया ना कच्छू बनाया हो तो घर में अंदर पानी भर रहा हो, जरा सो पानी गिरो तो घर के अंदर जा रहा हो, हमारी दीवार पूरी गिर जाएगी, हम जाएंगे कहाँ भर बारिश, हमारे जानवर है, हम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे भर बारिश में लेके, हमारी समस्या समाधान नहीं है। तो आपकी समस्या नाली की समस्या है? नाली की समस्या है, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, भर रहा घर में, समस्या नाली की जो पानी भर रहा है घर में जा रहा हूँ, घर खिसल सकता है जी। तेज बारिश होगी तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, घर से बाहर आ जाएंगे, रोड में आ जाएंगे जी। सर जी, समस्या ये है कि ठेकेदार लोगों ने जो रोड बनाया है यहाँ पे तो उसके साइड में नाली नहीं दिए, वो नाली का अगर कार्य हो जाए तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी और मकानों के अंदर पानी नहीं घुसेगा। मकानों के अंदर पानी घुस रहा है, इस वजह से हमारी प्रॉब्लम यही है कि पानी मकानों के अंदर घुस रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर शासन ने अगर इस चीज़ में मदद नहीं की तो हमारे मकान गिर जाएंगे और गिर जाएंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे, खाने पीने का हमारा सामान कुछ नहीं बच पाएगा। हमारा घर में पानी घुस रहा है भैया, वो रोड बनाए हैं उन लोगों ने, ठेकेदारों ने, हमारा घर दब गया है, पानी पानी होता, हम रात भर कल पानी गिरा था तो हमारे घर में पानी भर गया, रात को हम पानी पूरी रात उलझते रहे और कीड़ा मकोड़ा आ जाए और काट ले फिर तो कौन करेगा हमारा, है पूरा सामान हमारा खराब हो रहा पानी घर में घुसने। हमारे यहाँ रोड बनी है, घर के सामने पूरा पानी घर के अंदर घुस रहा है, साइड में जो जमीन पड़ी हुई वहाँ से पानी इसके घर के अंदर जा रहा है, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब किसान हैं, हम लोग कहाँ से लाएंगे, हमारा दाना पानी एक साल का भरा रहता है, अगर पानी घुस जाएगा तो फिर कैसा चलेगा, ये सरकार का समाधान करना इसका अनिवार्य है। NBC न्यूज़ के लिए चौरई से राजेश उइके की रिपोर्ट।